हेलो फ्रेंड्स, स्पेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर दो, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? आंसर शक संवत। किस विधि में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आंसर ऋग्वेद, जो कि बहुत पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? आंसर बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जातक ग्रंथ किसका है? ऑप्शन सी बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर सेवन, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आंसर मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर नाइन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर टेन, जियोग्राफिया की रचना किसने की? स्ट्रैबो। फायान कहाँ का निवासी था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चीन का। क्वेश्चन नंबर 12, फायान किसके शासनकाल में भारत आया? आंसर चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 13, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री आया था हैन त्सांग। आंसर डी। क्वेश्चन 14, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? आंसर महमूद गजनबी। क्वेश्चन 15, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया? मोरक्को। क्वेश्चन 15, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन 16, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। निम्नलिखित विद्वान में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में, जो कि दयाराम साहनी ने की थी, मैं पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन 19, न्यूमिस्मैटिक क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन होता है, उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। जिस सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? आंसर प्राकृतिक बबराही, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भानुगुप्त। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 24, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा, इंडो बैक्टीरियन। निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण शासकों ने सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी। हर रोज़ मैं आपको 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट।
धन्यवाद।